नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज के वीडियो में एक और एक्सप्लोरिंग वीडियो के साथ आ चुका हूँ। तो अभी जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, साइड में नहर है और ये सड़क, उसके बगल खेत और बगल में गार्गपुरवा गांव। तो यहाँ का जो ब्लॉग वीडियो का मतलब है वो मैं आपको बताऊँ कि जिस रोड पर चल रहा हूँ पूरा झमाझम रोड बन गई पहले की अपेक्षा। ये रोड आज के मतलब 20 साल से मतलब रोड ख़राब पड़ी थी, रोड एकदम दुरुस्त हो चुकी है, बन चुकी है बढ़िया से। ये सरेसर वाली नहर है और सरेसर से लेके आगे उत्तर गांव बल्दी तक पूरा रोड झमाझम है, क्योंकि ये विधानसभा 184 जगदीशपुर में आता है, तो ये वहाँ के विधायक का जलवा है जो ऐसी रोड देखने को मिल रही है। लेकिन अभी जैसे उत्तर गांव बल्दी हम क्रॉस करेंगे, तिलोई विधानसभा आएगा और तिलोई विधानसभा की सड़क का हाल दिखाएंगे। एक तरह से ये बॉर्डर है आगे चल के, वो पुल के पास उत्तर गांव बल्दी में, इधर जगदीशपुर विधानसभा, उधर तिलोई विधानसभा। लेकिन फिर अभी नहर पूरा फुल चल रही है, एक बार इसमें दिखा दें, नहर में पूरा पानी है एकदम फुल, आज बहुत दिन बाद देखने को मिल रहा है, क्योंकि गंगा नदी में बाढ़ है तो कहीं ना कहीं उसका असर तो होगा ही कि यहाँ तक शायद पानी आ रहा है। तो अभी हम उत्तर गांव बल्दी पहुँचने वाले, 1 किलोमीटर है और सरेसर से मात्र दूरी में लगता है 2.5 किलोमीटर है सरेसर से उत्तर गांव बल्दी की। जो ये सड़क का मेंटेनेंस आप देख रहे हैं एकदम ज़बरदस्त है, झक्कास है। कुछ दिन पहले अच्छा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, पूरा हो गया, आप लोग आराम से आ जा सकते हैं। लेकिन वही तिलोई विधानसभा की सड़क दुखदायक वाली सड़क भी दिखा देंगे कैसे है। नहर में पूरा पानी इस समय भरा, ऐसा लग रहा है ये जो चलते हैं गोरियाबाद वाली नहर है ना, उस तरह पानी भरा है फुल। और फिलहाल अभी हम पहुँचे हैं कौन सा गांव है, बड़ौली है, इधर भी कोई गांव है। यहाँ से जाकर पहुँचे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विधायक जगदीशपुर के काशी जी द्वारा ये सड़क पूरा कंप्लीट कर दिया। मतलब एक इतिहास तो बना ही दिया कि पहले की अपेक्षा सड़क दुरुस्त हो गई है। अभी हम इंटर कर चुके हैं उत्तर गांव बल्दी है। इधर भी गांव है, ये प्राथमिक विद्यालय है और यही है बॉर्डर, ये बॉर्डर है। अब बॉर्डर के बाद जैसे हमने इधर इंटर कर लिया, यहाँ की रोड मात्र 500 मीटर की दूरी तक पूरा उबड़ खाबड़ है, पूरी सड़क टूटी फूटी है। लेकिन यही सड़क आगे जाके और अपनी स्थिति को अलग रंग में दिखाएगी, चल के दिखाते हैं थोड़ी दूर पे। सड़क पूरी तरह से जर्जर है और यहाँ तक कि जहाँ तक मुझे पता है कि जब से मैं इस रोड पे आ रहा हूँ तब से इस रोड की हालत ऐसे ही है। एक इसका मतलब एक तरह कह सकते हैं जो सड़क का काम है वो करीब 20 से 25 साल मान के चलिए ऐसे ही है। हो सकता हो बीच में कभी हुआ हो और रिपेयर, लेकिन हमें जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है 20 साल के ऊपर हो गया। ये सड़क ऐसी है जैसी पहले के थी, मतलब टूटी है फूटी है पूरा, बारिश में पानी भर जाता है, लोगों को आने में दिक्कत होती है, लोग गिरते हैं पड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऊपर शासन प्रशासन की गलतियां हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। आपकी बस कुछ ही दूरी पे सड़क समाप्त हो जाती है, उसके बाद क्या मिलता है वो दिखाते हैं। जगदीशपुर विधानसभा तिलोई विधानसभा में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि दोनों जगह पे अलग अलग काम है, अलग अलग क्षेत्र है। अब यहाँ से खड़िंजा मिलेगा, इस खड़िंजा की छोटी सी स्टोरी आप लोग को बता के वीडियो को समाप्त करेंगे। ये खड़िंजा उधर पीछे सड़क है, ये खड़िंजा आगे ऐसे नॉन स्टॉप जाएगा आगे बहुआ तक। बहुआ भी कम से कम 1.5-2 किलोमीटर की दूरी है, तो वहाँ भी मतलब वहाँ तक ये सड़क की हाल ऐसे है। लक्ष्य कोचिंग सेंटर है BBSW। तो अभी ये गांव है, नाम नहीं पता यार, भूल गए हैं, थोड़े दिन पहले आए थे यार। तो ये जो खड़िंजे दिखा रहे हैं इसकी स्टोरी बता रहे थे,
कहने मात्र के लिए शायद इसमें लाखों के खर्चे हुए हैं। जब वो सड़क बन रही थी पीछे विधानसभा जगदीशपुर वाली, तो विधानसभा तिलोई वाली जो सड़क नहीं खड़िंजा है, इस खड़िंजे को उखाड़ा जा रहा था, पूरी तरह उखाड़ दिया गया था, फिर से माटी डाली गई थी उसके ऊपर, उसी ईंटे को फिर जमा दिया गया था। तो ये है तिलोई विधानसभा का विकास और पीछे जगदीशपुर विधानसभा का विकास दिखाए। अब दोनों में अंतर क्या है बॉर्डर पर से आप देख सकते हैं, तो कमेंट में बताना तो बनता है। और ऐसे एक्सप्लोरिंग ब्लॉग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको एक अंतर बताना है तिलोई विधानसभा में और जगदीशपुर विधानसभा में, कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।